أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما Dear students, respected parents and teachers, Assalamu alaikum. आज थर्ड लेक्चर थर्ड वीक का जो डे फोर है वो आज हम कंप्लीट करेंगे. उसमें पेज नंबर 19 और 20 है, उसमें एक्सरसाइज नंबर 7 और 8 जो है वो आज हम कंप्लीट करेंगे. काउंटिंग आपने याद रखिएगा, जो होमवर्क है वो मैं आपको बता दूं पहले. 1701 से 1800 और 18 ये क्लास वर्क और 1801 से 1900 ये आपने होमवर्क में कंप्लीट कर देना. ये आपका पूरा काम है, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है जी. सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 7 हम करते हैं, जिसमें गिव द नंबर नेम. ये आपके पास नंबर जो है ना वो एक्सपेंड फॉर्म में दिया गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जो है वो उसकी जो प्लेस वैल्यू है उसकी शक्ल में दिया गया है, और अब आपने इसको ओरिजिनल फॉर्म में लिखना है, ठीक है. ये लिखा हुआ 406 लिखा हुआ है, ठीक है. तो क्या लिखेंगे, 406, ठीक है, 406. अब ये आपको एक्सपेंड फॉर्म में दिया गया है, तो आप ये देखें, अगर आप इसको 110 और 100 करते हैं, ऐसे ही अगर आप 110 और 100 करते हैं, 110 और 100 करते हैं, 110 और 100, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस के ऊपर क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे. 10 प्लेस के ऊपर 8 आएगा, और 100 प्लेस के ऊपर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा. ये फॉर्म लिखी हो तो आप इस फॉर्म में लिखते हो, ये फॉर्म लिखी हो तो आप इस फॉर्म में दोबारा जो है वो नंबर को लिख सकते हो. ऐसे ही जो है ना, ये आपको 700 लिखा हुआ है, यानी कि 100 प्लेस के ऊपर आपने क्या रखना है, 7, और 10 प्लेस के ऊपर आपने रखना है 4, और 1 प्लेस के ऊपर आपने रखना है 1, ठीक है. तो ये 741 है जो कि एक्सपेंड फॉर्म में था. ऐसे ही जो है ये 800 है, मतलब 100 प्लेस के ऊपर आपने 8 रखना है, और 10 प्लेस के ऊपर आपने 3 रखना है, ठीक है. तो ये आपके पास 800 आ जाएगा, और 831 प्लेस के ऊपर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है जी. तो ये आपके पास टोटल क्या बन जाएगा, 830 आ जाएगा. अगर यूनिट प्लेस के ऊपर कोई चीज़ नहीं होगी तो वहाँ पे आपने क्या लिख देना है, 0 लिख देंगे, तो 830 आ जाएगा. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और इसको आप यूँ भी चेक कर सकते हैं, 800 में अगर आप 30 को ऐड करते हो तो ये देखें, ये 3 और 800 और 30 ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है. वन प्लेस के ऊपर अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो वहाँ पे आपने 0 को पुट कर देंगे, तो 800 और 30 को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो 830 बनेगी, ठीक हो गया जी. अब एक्सरसाइज नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, फॉर्म अ नंबर विद. अब ये मिक्स फॉर्म में दिया गया है, जहाँ जहाँ पे जो जो वैल्यू कहता है ना, वो 100 की कहता है तो 100 की यहाँ पुट कर देंगे, 10 की कहता है यहाँ पुट कर देंगे, 1 की कहता है यहाँ पे पुट कर देंगे, जो जो वैल्यू जहाँ जहाँ पे भी कहेगा हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है. 4 इन टेंस प्लेस, ठीक है, तो 10 प्लेस के ऊपर आपने लिखना होगा 4, 8 इन वंस प्लेस, वंस प्लेस के ऊपर आपने 8 लिखना होगा, और 3 इन 100 प्लेस, 100 प्लेस के ऊपर आपने 3 लिखना होगा, ये ठीक है जी. तो इस वजह से आपने इसको कंप्लीट करना है. और सेकंड पार्ट में देखें, 5 इन वंस प्लेस, वंस प्लेस के ऊपर आपने लिखना होगा 5, ठीक है जी. 8 इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस के ऊपर आपने लिखना होगा 8, और 3 इन 100 प्लेस, 100 प्लेस के ऊपर आपने लिखना है जी 3. तो जो जो वैल्यू उसने जिस प्लेस के ऊपर कहा है वो आप लिखते जाएंगे. थर्ड पार्ट में देखिए, 6 इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस के ऊपर आप लिख देंगे 6, 8 इन 100 प्लेस, 100 प्लेस के ऊपर आप लिख देंगे 8, और 3 इन वंस प्लेस, वंस प्लेस के ऊपर आप लिख देंगे 3, ठीक है जी. नेक्स्ट आ गया 1 इन टेंस प्लेस, तो 1 इन टेंस प्लेस, टेंस प्लेस के ऊपर आप लिखेंगे 1, 8 इन वंस प्लेस, वंस प्लेस के ऊपर आप लिखेंगे 8, एंड 3 इन 100 प्लेस, तो 100 प्लेस के ऊपर आप जो है ना वो 3 लिख देंगे. तो इस वजह से फॉर्म अ नंबर विद, तो ये आपके पास एक पूरा नंबर बन जाएगा. ये जो उसने सारी थ्योरी दी हुई है इसको अगर आप लिखेंगे इस फॉर्म में, तो 348 बनेगा, ये 385 बनेगा, ये 863 बनेगा, ये 318 बनेगा. तो इस वजह से आपकी एक्सरसाइज नंबर 7 और 8, और ये आपका जो वर्क है वो कंप्लीट होता है. 1701 टू 1800 काउंटिंग, 1801 टू 1900 जो है वो आप कॉपीज़ के ऊपर कर लीजिएगा. तो ये आपका
थर्ड लेक्चर, थर्ड वीक का प्लानर और डे फोर का जो काम है वो कंप्लीट हुआ। और डे फाइव के काम के लिए आपने नेक्स्ट जो वीडियो वो देखनी है, वो आपको डे फाइव का काम जो है वो मिल जाएगा। अनटिल डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।